जहाँ पे मैं खड़ा हूँ पीछे है शेरशाह सूरी का मकबरा। यहाँ पे एक ये जो निशान है ये तोप का निशान है, तोप के गोले का निशान है कि इस मकबरे को कभी तोप के गोले से भी तोड़ने का प्रयास किया गया था। बिहार के लोग कहते हैं ना कि ये एक ताजमहल है, तो वास्तव में ये ताजमहल की तरह ही प्रतीत होता है, बहुत ही खूबसूरत है। दोस्तों अभी मैं हूँ बिहार में और बिहार के मैं हूँ अभी रोहतास जिले में। कल हम लोग गए थे रोहतासगढ़ के किले पे। किले से वापस कैसे आए हैं ये हम ही लोग जानते हैं, क्योंकि किले से आने में हमें काफ़ी समय लगा था और बहुत ही खतरे के साथ हम लोग रोहतास शहर के पास पहुंचे हैं। तो रोहतास से अभी हम लोग पहुंचे हैं लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पे सासाराम में। सासाराम जो है वो शेरशाह सूरी की नगरी कहा जाता है। तो जहाँ पे मैं खड़ा हूँ पीछे है शेरशाह सूरी का मकबरा, जो आप लोग देख रहे हैं यहीं पे शेरशाह सूरी को दफन किया गया है। और ये एक ऐसा मकबरा है जो शेरशाह सूरी ने अपने जीते जी इस मकबरे का निर्माण करवाया था, यानी अपने ही मकबरे का खुद से निर्माण करवाया था शेरशाह सूरी ने। फिर शेरशाह सूरी को यहीं पे दफन किया गया था। इसको बिहार का ताजमहल भी बोलते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग घूमने वाले हैं इस मकबरे को, देखेंगे क्या है इसकी हिस्ट्री और कैसा क्या है। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि कैसा है बिहार का ताजमहल, वो भी आप लोगों को दिखाने वाले हैं। ये लोग इस मकबरे की जो तुलना है वो आगरा के ताजमहल से करते हैं। चलिए चलते हैं और इसकी खूबसूरती को दिखाते हैं। खूबसूरती के हिसाब से जैसे कि यहाँ से जो खूबसूरती इसकी दिखती है, तो बिहार के लोग कहते हैं ना कि ये एक ताजमहल है, तो वास्तव में ये ताजमहल की तरह ही प्रतीत होता है, बहुत ही खूबसूरत है। हालांकि इसका अभी ऊपर रेनोवेशन वगैरह नहीं हुआ है, तो जिस वजह से थोड़ा काला वाला दिख रहा है, लेकिन अगर इसका थोड़ा रेनोवेशन वगैरह हो जाएगा तो बहुत ही अच्छा लगता है। वो ताजमहल जो है वो वाइट है, ये थोड़ा गेरुआ पत्थर में है। शेरशाह सूरी ने इस मकबरे का जो निर्माण है अपने जीते जी करवाया था, और इनकी दिली ख्वाहिश थी कि उनको मरने के बाद इसी मकबरे में दफन किया जाए। लेकिन जब कालिंजर के युद्ध में अकस्मात करके उनकी जब मृत्यु हो गई थी, कालिंजर का जब युद्ध चल रहा था, तो बताते ऐसे हैं कि शेरशाह सूरी ने एक गोला फेंकवाया था कालिंजर किले की तरफ, लेकिन वो जो गोला था वो वापस उस जगह पे आके गिर गया जहाँ पे शेरशाह सूरी का वारूद जहाँ पे रखा हुआ था, वहाँ पे आके वो गोला गिर गया और वहाँ पे जितने भी लोग थे सारे के सारे लोग वहाँ पे मारे गए। उसमें शेरशाह सूरी भी जख्मी हो गए, लेकिन उनकी सांसें तब तक चलती रही थी जब तक कि कालिंजर किले पे उन्होंने फतह नहीं कर ली थी। यानी उनको जब आके बताया गया कि हम लोगों ने कालिंजर किले को जीत लिया है, उसके बाद उन्होंने अपनी सांसें त्याग दी। जब उनकी मृत्यु हुई थी तो ये जो है ये पूरा नहीं निर्माण हो पाया था, इसके ऊपर का जो गुम्बद है वो बाद में बना हुआ था। मतलब इसका जो निर्माण है जो ऊपर का है वो बाद में किया गया है, उससे पहले उनके जीते जी ये पूरा मकबरा बनके तैयार हो गया था नीचे का। शेरशाह सूरी का जो बेटा था सलीम शाह, उसने इस मकबरे का पूरा निर्माण करवाया था और ऊपर का जो गुम्बद है उसी ने बनवाया था। यानी पूरी तरह से ये जो मकबरा है उनके बेटे शेरशाह सूरी के जो बेटे थे सलीम शाह, उन्होंने करवाया था, और काफी खूबसूरत यहाँ पे ये मकबरा बना हुआ है। तो अब आगे चलते हैं, आगे चल के आप लोगों को मकबरा दिखाते हैं। यहाँ से इसका एंट्री पॉइंट बना हुआ है जिससे होते हुए आगे की तरफ जाना रहता है दोनों ही साइड में, और काफी खूबसूरत यहाँ पे पेड़ पौधों को लगाया गया है जो देखने में काफी खूबसूरत लगता है। आ जाइए। शेरशाह सूरी की गिनती उन बादशाहों में होती है जिनके साथ इतिहास ने कभी न्याय नहीं किया। शायद इसका कारण ये रहा हो कि उन्होंने सिर्फ 5 वर्षों तक भारत पर राज किया और उनकी मौत के 10 वर्षों के भीतर उनके वंश का शासन भी समाप्त हो गया। शेरशाह का शासन भले ही सिर्फ 5 वर्षों का रहा हो, लेकिन शासन करने की बारीकी और क्षमता, मेहनत, न्यायप्रियता, निजी चरित्र के खरेपन, हिंदुओं और मुसलमानों को साथ लेकर चलने की भावना, अनुशासन प्रियता और रणनीति बनाने में वो अकबर से कम नहीं थे। शेरशाह सूरी का असली नाम फरीद था। उन्होंने मुगल सेना में काम किया था और बाबर के साथ 1528 में उनके चंदेरी के अभियान में भी गए थे। बाबर की सेना में रहते हुए ही उन्होंने हिंदुस्तान की गद्दी पर बैठने के ख्वाब देखने शुरू कर दिए थे। शेरशाह सूरी कुछ दिनों के लिए बाबर की सेना में गए और उन्होंने यहाँ पे जाके मुगलों की रणनीति सीखी कि किस तरह से जो मुगल हैं वो तोपों को चलाते, ये सारी चीज़ें सीखी। और उसके बाद जब बाबर ने जब हुमायूं को राजा बना दिया था, तो हुमायूं को पराजित करके 1540 में और शेरशाह सूरी स्वयं दिल्ली की जो राजगद्दी थी उस पर बैठ गए और हिंदुस्तान के बादशाह बन गए।
उन्होंने हिंदुस्तान पर लगभग 5 सालों तक राज किया था, यानी 1540 से और 1545 तक वो हिंदुस्तान के बादशाह रहे थे। शेर खां के बचपन का नाम था फरीद खां। बताते हैं एक बार उन्होंने अकेले ही तलवार से एक शेर का शिकार किया था और उसके बाद उन्हें शेर शाह की उपाधि प्राप्त हुई थी। तो यहाँ पे ये जो बनी हुई है, ये जो आप देख रहे हैं, इसके अंदर शेर शाह और उनके परिवार वालों की कब्र है। ऊपर वाले हिस्से से नीचे वाले हिस्से में आ गए हैं, जहाँ पे चारों तरफ इस तरह की बाउंड्री की गई है और नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पानी भरा हुआ है। तो यहाँ के कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पे एक ये जो निशान है, ये तोप का निशान है, तोप के गोले का निशान है, कि इस मकबरे को कभी तोप के गोले से भी तोड़ने का प्रयास किया गया था, लेकिन ये मकबरा इतना मजबूत बना हुआ है कि उस समय तोप का गोला इसका कुछ नहीं बिगाड़ सका था। ये जो आप लोग देख रहे हैं, बताते हैं कि ये तोप के गोले का ही निशान है। दोस्तों कहते हैं कि एक बार बाबर के साथ में शेर शाह सूरी खाना खा रहे थे, भोजन कर रहे थे, तो उस समय बाबर ने अपने खासम खास एक मंत्री से कहा था कि इसके जो तेवर है ना, जो बहुत ज़्यादा मतलब खतरनाक हैं, बहुत होशियार है ये, यानी मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में ये एक ना एक दिन हिंदुस्तान का वासा बनेगा, क्योंकि इसके जो तेवर हैं और इसकी जो चालाकी है वो बहुत ज़्यादा है। तो उनके जो मंत्री थे उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बाद में ऐसा ही हुआ। जब बाबर का शासन चला गया, हुमायूं जब राजा बने तो हुमायूं को हरा कर जो शेरशाह सूरी थे उन्होंने हुमायूं को हराया और 5 साल तक हिंदुस्तान पर राज किया था और 5 साल तक वो हिंदुस्तान के वासा रहे थे। आज की इस वीडियो में हम लोग थे सासाराम और सासाराम हमने यहाँ पे ये जो शेरशाह का मकबरा था वो देखा, और मतलब इनके साथ में ही यहीं पे इनके एक पिताजी का रोजा भी बना हुआ है जिसको सूखा रोजा बोलते हैं, वो भी वहाँ पे मकबरा है, तो आप लोग वहाँ पे जा सकते हैं। मौसम अभी ख़राब है, मौसम सही नहीं है, तो हमें नहीं लग रहा है कि हम वहाँ पे जा पाएंगे, क्योंकि बारिश फिर से होने लगी है। हम जब से आए हैं तब से बारिश मतलब बिहार में रुक ही नहीं रही है। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने ये जो शेरशाह सूरी का मकबरा था वो आप लोगों को दिखाया। काफ़ी खूबसूरत जगह है, अगर आप लोग सासाराम आते हैं तो इस जगह को मिस ना करें, एक बार ज़रूर से देख के जाएँ, क्योंकि ये बिहार वालों के लिए ताजमहल से कम नहीं है। तो अभी हम लोग बिहार की यात्रा पे हैं और भी कई सारी वीडियो आने वाली हैं, हिस्टोरिकल और वीडियो हम लोग लाने वाले हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जाएं। चैनल पे अगर आप नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मैं इसी तरह की वीडियो लाता रहता हूँ। मिलते हैं आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।